मेरे मामू और मामी आ रहे हैं दुबई से, तो मैंने बहुत हमारे जो रूम है हमने उसकी सेटिंग्स चेंज करनी है, और हमने पेंट करवाया है, और हमने हम बहुत ज़्यादा व्लॉग बनाएंगे, आप भी हमारे साथ देखना। और आपको सेटिंग से पहले की दिखाता हूँ और बाद में मैं आपको सेटिंग्स के सेटिंग के बाद दिखाऊंगा। मुमिन क्या कर रहे हो? ये देखें सारी सफेदी गिरी हुई है। अब मैं आपको अपने बाहर की सेटिंग दिखाता हूँ कि बाहर क्या चल रहा है, क्या माहौल है। ये बाजी सफाई कर रही है, बाजी सफाई कर रही है। ये मेरी मम्मा ने कजन के लिए सूट सवाई तैयार। ये मेरी मम्मा ने मेरी कजन्स के लिए सूट स्टिच करवाए थे, ये जब हमने सिलवा लिए थे। ये मंशा पेंट कर रही थी, ये मुझे गिफ्ट दिया था मेरी नानों ने, तो मंशा उसके ऊपर पेंट कर रही थी। ये भी है, यहाँ पे भी हमने पेंट करवाया है। यहाँ पे मेरे जो मामू मामी आएंगे उनको यहाँ पे उनको रूम देंगे और वो यहाँ पे ठहरेंगे। कुछ खाने मम्मा ने उनके आने से, मेहमानों के आने से पहले रेडी कर लिए थे। तो ये मेरी फेवरेट डिश थी क्योंकि ये थी तुर्किश, और इसमें तुर्किश नहीं टर्किश। अच्छा ना मम्मा, तुर्किश की शेख की बात होती है। ये क्या था? ये सॉस थी जो बनाया था। अच्छा अच्छा, चिकन वाली। अच्छा टर्किश। ये था मटन कुन्ना, ये हमने बनाया था। ये तकरीबन 2-3 hours हमने लकड़ी के ऊपर बनाया था। वाओ स्लो मोशन आ रही है क्या? बोनलेस चिकन है, बोनलेस चिकन। तो ये वही टर्किश डिश है जिसमें फ्राइज और चिकन था। अच्छा अच्छा, ये क्रीम चिकन था लेकिन ये डिफरेंट था, काजू के साथ था, ये बहुत अच्छा बना था। और फिर टर्किश है ना ये। तो ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ ये सॉस डाली थी, हनी काजू वाला पेस्ट जो बनाया था। वाओ, फिर ये उसके साथ कोयले के साथ इसको दम किया। ये सॉस जो मैंने बनाई थी ये बहुत अच्छी सॉस बनी थी, ये मैदा और वो फ्राई करके ना उसके साथ, फिर ओरिगैनो लीव्स के साथ और क्रीम के साथ, बहुत अच्छी बनी थी। ठीक है। अच्छा ये जब तैयार कर ली चीज ऊपर गार्निश की थी। ये मटन कुल्ला रेडी हो गया था, बाजी ने मायरी फिर रख लिया था 2-3 घंटे इसको मायरी पकने के लिए। ये वो सॉस है, ये हम किधर आ गए हैं, ये हम किधर आ गए, ब्रल साइज। अच्छा ये रोल बनाए थे, स्प्रिंग रोल, चिकन स्प्रिंग रोल। फिर हमने कुछ, ये रात में सो गया था, ये मैं ना एक हाथ पे सो रहा था, ये बगे मैं सो रहा था ब्रेड बेड पे, और ब्रेड के ये लोग लेके ब्रेड, क्योंकि मुझे लगी थी भूख तो मैं लेट गया, मुझे आ गई नींद। जब मैं सो गया तब ये लोग लेके आए ब्रेड, ब्रेड खाने सैंडविच लेके आए, वही ना यार। उसके बाद जब मैंने ये, जब ये लोग लेके आए, स्लो मोशन मम्मा जी, क्या बात है यार, क्या बात है, हर चीज हमने स्लो मोशन में बनाई, मायनीज लगाई है। तो फिर ये लोग मुझे एक हाथ से हिलाए और एक हाथ से खाए, कुछ समझ ना हूँ खाऊं या सूं। आप तो सुबह उठ के मान ही नहीं रहे थे कि मैंने खाया है। तो ये फिर रात को हमने ब्रेड खाना बनाने के बाद मायनीज देखो कितने आराम से निकल रही है, सैंडविचेस बना के खाए, कितने मजे से निकल रही है मायनीज। ओह ओ, ये वो जो सारी सी वीडियो बनाई है क्या, उसका क्या नाम था मूवी में जो स्लो काम करता था, स्लॉथ, स्लॉथ वैसे हो रहा काम। मम से क्या किया है? अच्छा मजे की बात ये है कि मंशा और मम्मी ने बड़े मजे से खाए थे।
मैं वो उदास था मामू से, क्योंकि मैं उनसे 3 साल बाद मिल रहा था, क्योंकि जब वो लोग आए थे, वो दुबई रहते हैं, तो जब वो आए थे इधर पाकिस्तान, तो तब मामा वगैरह गए थे, लेकिन तब मेरे हो रहे थे पेपर्स। अभी तो ये सिर्फ खाने वगैरह किए हैं। जब हम ये अगले व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ हमने घूमा। सारी ब्रेड ही बनाई है क्या? नहीं, ये बस सैंडविचेस है ना। तो हमारे ब्रोस बहुत सारे प्लान्स थे, लेकिन उनमें से कुछ रह गए, क्योंकि वो लोग उन्होंने जाना था ईद के बाद दुबई, तो हमने उनको रमज़ान में बुलाया, और फिर कुछ चीज़ें रह गई। हम खेत गए क्योंकि जुहान को बहुत पसंद है, और हमने हन के साथ बहुत इंजॉय किया था, बहुत इंजॉय किया, हमने भी बहुत इंजॉय किया। सुबह का टाइम था। नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताएंगे, दिखाएंगे आपको कि हमने कैसे, और हम गए भी थे सहरी के बाद। सहरी के बाद बहुत अच्छा वो टाइम था, और फिर हमने गिफ्ट्स भी दिए, और जो मुझे हमें गिफ्ट्स मिले ईदी वाले, वो भी हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। ये जब हमारा रूम, ये सारी सेटिंग हो गई थी, सेटिंग होने के बाद हमने सारी के बाद नहीं सोए, हमने सारी सेटिंग क्योंकि वो 9-10 बजे सारी के बाद पहुंच गए थे हमारे घर। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि मुझे पता चलता है कि आप लोगों को क्या इसमें अच्छा लगा, और मैं नेक्स्ट व्लॉग कैसे बनाऊँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।